अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो डिज्नी नेटवर्क की ओर से आ रही है कि डिज्नी नेटवर्क के जितने भी चैनल्स हैं वो अब स्टार इंडिया के हो जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्टार इंडिया और डिज्नी के बीच जो है वो कोलैबोरेशन चल रही है, मर्ज चल रहा है। तो डिज्नी इंडिया ने जितना भी अपना कंटेंट था, राइट्स थे, वो सारे के सारे स्टार इंडिया को सेल कर दिए थे, स्टार इंडिया ने खरीद लिए थे। जिसके बाद स्टार इंडिया ने भी बड़ा फैसला लेते हुए डिज्नी के जो हमें बुके देखने को मिलते हैं, अलग-अलग चैनल्स देखने को मिलते हैं, तो उस पर अब स्टार इंडिया का हक हो जाएगा। यानी जितने भी हम अपने डिज्नी यूनिवर्सल पैक देखते हैं जिसमें हमें डिज्नी इंटरनेशनल एच डी मिलता है, यू टी वी एच डी मिलता है, इसके अलावा जितने भी हमारे स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बुके हमें देखने को मिलते हैं, एलाकार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि यू टी वी मूवीज, यू टी वी एक्शन, बिंदास और जितने भी चैनल चलते हैं, जैसे डिज्नी के कार्टून चैनल चलते हैं, तो सभी के सभी चैनल्स जो हैं वो अब स्टार इंडिया के हो चुके हैं। ये जितनी भी लिस्ट आपके सामने मैंने मेंशन करी है, सभी के सभी अब स्टार इंडिया के चैनल्स हैं, डिज्नी के नहीं रहे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनका नाम भी बदल दिया जाए, लेकिन फिलहाल जो है ये डिज्नी के नाम से ही आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए अब आपको अलग से पैसा नहीं चुकाना होगा, यानी कि अभी स्टार इंडिया का ही हिस्सा हो चुका है, तो स्टार इंडिया का जो बुकिंग है उसी में ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी जो है हमने अलग से सब्सक्राइब कर रखा है डिज्नी चैनल को देखने के लिए, डिज्नी के अलग अलग जो है बुके जो हमें दिए गए हैं उसके अनुसार हम चैनल्स को देख रहे हैं या फिर अलग कार्ड के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अब कुछ ही वक्त बाद ये जो चैनल्स हैं केवल स्टार इंडिया के बुके में ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्टार इंडिया का वैल्यू पैक है, स्टार इंडिया के जितने भी बुके चल रहे हैं तो उसी में ये शामिल हो जाएंगे, और डिज्नी के जो अलग से बुके चल रहे हैं वो हमारे लिए बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी की जो खबर थी वो स्टार इंडिया की ओर से और डिज्नी की ओर से इसी ओर से आई थी। यदि मुझे और भी कोई जानकारी आती है तो जरूर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बाकी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।